हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। अब मैं लेके आई इकोनॉमिक्स का फोर्थ पार्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंटी नेट का सिलेबस में से। देखिए, मैंने इनकी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाई हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो हमें क्या है, बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी मेरी तरह ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो क्या होगा, आपको एग्जाम के टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इतनी बुक्स हैं। आप मेरी तरह ऐसे ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, मैंने भी ऐसे बनाया था, और ऐसे ही मैंने अपना नेट और जीआरएफ क्रैक किया है। इससे आपको क्या होगा, एग्जाम के टाइम ही रिविजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, आप अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। आज हम कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे हम मोमेंट अलोंग डिमांड कर भी बोलते हैं, और चेंज इन डिमांड इसे हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर भी बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो इसका मतलब है जब डिमांड चेंज होती है ड्यू टू प्राइस ओनली, सिर्फ प्राइस के कारण हमारी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसमें क्या है कि हमारी न्यू डिमांड कर्व नहीं बनती, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है क्या है, उसमें मूवमेंट हो जाती है, या तो वो एक्सटेंड हो जाती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कम प्राइस पर डिमांड ज़्यादा है और प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गई, क्या है, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर आ रही है, यानी कि प्राइस ज़्यादा है तो प्राइस कम से आ गई तो डिमांड एक्सटेंड होगी, और अब ऊपर की तरफ जाते तो डिमांड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए, एंटी नेट के जो पेपर होते हैं उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइस में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इसमें कि जो डिमांड चेंज प्राइस के कारण चेंज नहीं होती, बाकी बल्कि जो अनदर फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, उनकी वजह से हमारी डिमांड चेंज हो रही है। इसमें क्या है कि हमारी जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वही चेंज हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब देखिए, हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, लेकिन क्या है, इनकम में चेंज आने से किसी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, तो हमारी न्यू डिमांड कर्व ये हो गई, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होती है, राइट वार्ड शिफ्ट होती है, अपवार्ड शिफ्ट होती है, और जब डिमांड क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है, हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, न्यू डिमांड कर्व हमारी ये है, तो जब डिमांड डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होती है, डाउनवार्ड शिफ्ट होती है। ऐसी क्वेश्चन क्या है कंफ्यूज करके नेट में पूछी जाती है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, नहीं, तो हमारा वो क्वेश्चन गलत है। डिमांड प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, बल्कि हमारी डिमांड क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड हमारी डिक्रीज नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। प्राइस को छोड़कर अनदर फैक्टर्स की वजह से कि हमारी डिमांड जब इंक्रीज डिक्रीज होती है तो वो राइट वर्ड या फिर क्या कहते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, और चेंज इन डिमांड को कहेंगे हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, यानी कि हमारी डिमांड टोटली चेंज हो जाती है, या फिर सिर्फ हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्वांटिटी डिमांड भी चेंज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।